अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ फोरम के इस ताज़ा शुमारे में मैं आपका होस्ट इम्तियाज़ गुल आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, इस फोरम पे हम हमेशा नए टॉपिक्स, नए मौजू के ऊपर बात करते हैं, और आज जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। जैसा आप जानते हैं, इस फोरम पे हम हमेशा नौजवानों के इर्द गिर्द ही जो मौजू रहते हैं उनके ऊपर बात करते हैं, और आज का जो मौजू है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस का हामिल इसलिए है क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं मंशियात की लत में ऐसे उलझे हुए हैं कि वो अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं अपनी कौम की बर्बादी का भी बास बनते हैं। कहीं ज़रा नासिर लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नौजवानों को इस लत में मुबतला करते हैं। जो शगाफे शाखों पे होने चाहिए वो इस मंशियात की वजह से नालियों में पड़े रहते हैं, और हमने ये फ़र्ज़ समझा कि हम आज इस मौजू पर बात करें, और इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है मोहम्मद असलम खतीब साहब, जो एक्स कंट्रोलर ड्रग्स एंड फूड्स है। सर, प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। और साथ ही जो हमारे साथ आज नौजवान दोस्त शामिल है, आइए मैं उनका तारुफ कराता हूँ। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से तशरीफ फरमा है डॉक्टर शहजादा सलीम साहब, जो एक सोशोलॉजिस्ट है, और साथ ही उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस्टर माजिद नंदा, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है मिस्टर आदिल मंजूर, जो स्टूडेंट है ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर। आप सब दोस्तों का प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। सर, प्रोग्राम की शुरुआत हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम ड्रग की बात करते हैं तो अक्सर हम लोगों में ये बात समझ आती है हम मेडिसिन की बात करते हैं, मगर जब हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तब हम ड्रग का कुछ अलग ही माना निकल के आता है। आपसे गुजारिश है कि आप ड्रग एडिक्शन की डेफिनेशन से हिसाब से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक है, ये बहुत ही हसास मौजू है जी। इस पे बात की जाए तो हमें इसकी हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की तंगी की वजह से मैं मुख्तसरन ड्रग एडिक्शन जी, उन दवायात से जो आदमी इस्तेमाल करता है जिसका तिब्बी फ़ायदा होता है, उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसका तिब्बी फ़ायदा होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी जिनका तिब्बी फ़ायदा भी है जी, और जब वो ली जाएँ, अगर एक्सेस से ज़्यादा ली जाएँ, कंटिन्यूसली ली जाएँ, तो उनकी एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन ये है कि बॉडी मैकेनिज़म ऐसा चेंज हो जाता है कि इंसान की बॉडी उसकी तलब करती है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, उस पर डिपेंडेंट होता है, उसी को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन जी। इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं जो एडिक्शन करती हैं, लेकिन आज कल के ज़माना में देखा जाए ये वबा इतनी फैली हुई है कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई जी। ग्लोबल प्रॉब्लम होने की वजह से इसमें कुछ ऐसे अंसुर शामिल हो गए हैं जिनका कारोबार और धंधा बन चुका है, और सोशल फैब्रिक जो है, ज़्यादातर जो हमारा एज ग्रुप है जी, पहले तो एज ग्रुप है 10 to 40 रखते हैं, लेकिन आज 10 बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो वहाँ से ही कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो ईडेबल्स में कुछ ना कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसके वजह से वो बच्चा डिपेंडेंस हो जाता है उन चीज़ों को खाने में, तो वहाँ से एडिक्शन शुरू हो जाती। फिर जब वो जवानी की दहेज में रखता है कदम, तो वहाँ पे उसको जो है सोशल फैब्रिक जो हमारा है, जो समाज है, समाज में भी ऐसे अंसर हैं जो इस काम के लिए अपना पूरा टाइम देते हैं, और जो हमारे जवान हैं उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। बिल्कुल सर, हम अपने नौजवानों की तरफ आएंगे। जैसे सर ने, शहजादा सलीम सर ने बात की है सोशल फैब्रिक की, उन्होंने बात की है, अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, ज़्यादातर देखा गया है कि जो एडोलेसेंस है विद द एज ऑफ द 12 above वही इस लत का ज़्यादा शिकार रहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहूँगा, सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव क्या रहता है इस ड्रग एडिक्शन का? देखिए, इम्तियाज़ साहब ने बखूबी बात की, और मैं मोहतरम जो हमारे गेस्ट हैं इनका भी काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमें ड्रग की डेफिनेशन सिखाई। मैं इस बात से ही इनकी बात से काफ़ी एग्री करता हूं कि ड्रग बेसिकली इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ड्रग जो है एक सब्सटेंस एब्यूज़ के तौर इस्तेमाल किया जाए, ड्रग एक लत बन जाए, एडिक्शन बन जाए, तब ये प्रॉब्लमेटिक है जी। बिल्कुल, वरना हम अपनी बीमारी, रोजमर्रा बीमारियों के लिए भी ड्रग लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जब सवाल आपके जो है, आपका जो कहना है कि सोशोलॉजिकली या सोशल फैब्रिक की जहां बात चली, तो व्हाट हैपन्स टू
گائے ایک لڑکی کو کیا یا ایک لڑکی کو ایک میں کہوں گا ایڈولسنس جو سنی بلوغت میں جو بچے ہوتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ کیا ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ یہ اس لت کے شکار بن جاتے ہیں؟ دیکھیے ایک وسیع موضوع ہے جی. سدرلینڈ جو بڑے کرمنالوجسٹ گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از لرنڈ ان دا سوسائٹی. اگر کرائم کی بھی بات کریں تو انہوں نے کہا تھا کرائم از آلسو لرنڈ ان دا سوسائٹی. پہلے پہلے کرمنالوجی کی بہت ساری تھیریز تھیں, ان کے سر بڑے ہوتے ہیں, ان کے منہ بڑے عجیب ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں بڑی ہوتی ہیں, جو ڈرگ ایڈکٹس بالکل بالکل یا سائیکولوجیکل ابیوز جو ہوتا کسی کو کرتا تھا یا ریٹارڈڈ جو ہوتا تھا مینٹلی, ان کی الگ شکلیں بنائی جاتی تھیں. لیکن آج یہ بات کہی جاتی ہے ماڈرن کرمنالوجی اور سوشالوجی میں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرمنلز اور ڈرگ ایڈکٹس کی شکلیں الگ ہو. یہ ہم میں ہی وہ بچے ہیں جو رہتے ہیں, ہمارے ہی بچے ایسے ہیں یا ہماری نوجوان پود ایسی ہے جو ہم میں ہی لستے بستے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک پیئر گروپ اپروچ ہوتا ہے. جب ایک سنی بلوغت پہ پہنچتا ہے ایک انسان تو اس کے ارد گرد اپنے ساتھی بھی ہوتے ہیں. اگر کسی ایک ساتھی نے اس کو ایک بار ایک کش لگانا سکھایا تو یہ بھی اپنی سن بلوغت میں چونکہ ہارمونل ہیل اپ زیادہ ہوتا ہے, ایک ریفریشن ہوتا ہے زیادہ, انسان کی شناخت بننے لگتی ہوتی ہے, یہ بھی کبھی آزمانے کی کوشش کرتا ہے جسے اس لت کے شکار ہو جاتا ہے. نمبر ایک بات تو یہ. اب اگر براڈر ویژن میں دیکھا جائے تو ضرور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ بچوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اگر سوشیولوجی میں دیکھا جائے بالکل ٹو گیٹ دا اکانمی, اور اس کے لیے ایک ٹریک ہے, اس کے لیے ایک مافیا کام کرتا ہے, اس کے لیے میں کہوں گا کہ سماج کے کچھ ایسے حساس لوگ بھی ذمہ دار ہے جو اس کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اندیکھا کرتے ہیں. جی جیسے ایک باپ, ابھی ہم بات کرتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بازار سے سگریٹ خرید کے لائیے. جی تو یہ تو عام ٹرینڈ ہے. کبھی کبھی یہ بیٹا دیکھتا ہے کہ میں بھی دیکھوں گا ایک سگریٹ جو ہے باپ اکثر پیتا ہے, یہ کیا پی رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سن بلوگر میں جو اڈولسنٹ لوگ ہیں ان کو بہت پیسے دیے جاتے ہیں, لکڑی ٹو سم دیا جاتا ہے اپنی پاکٹ منی کے لیے. ایک زمانے میں پاکٹ منی, جو میں سوشولوجیکلی بات کر رہا ہوں, ایک زمانے میں پاکٹ منی بہت کم ہوا کرتی تھی, اس کے لیے پوچھا جاتا تھا کہ اگر میں نے یہ پیسے دیے تو آپ نے کہاں استعمال کیا. آج یہ پاکٹ منی بڑھ گئی ہے کہ اگر بیٹا اسے کوئی چیز بھی خریدے شام کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی کہ بیٹا آپ نے یہ پیسے کن چیزوں پہ خرچ کیے. ہو سکتا ہے اس کے کالج کے باہر, اس کے اسکول کے باہر, اس کی یونیورسٹی کے باہر کوئی ایسا انسان ہو جو اس کو وتھ گڈ سم آف منی کچھ چیز دے رہا ہوں. بالکل بالکل. آپ سے ہم واپس آئیں گے اس بات پہ. سر یہاں پر میں شہزادہ سلیم کی بات سے ایک پوائنٹ لے کے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جب ہم کازز کی بات کرتے ہیں, اکثر یہ جو ڈرگز آتے ہیں, اتنی ساری ڈرگز امپورٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہے, وہاں پر ایک بات آتی ہے گولڈن ٹرینگل اور سیون سسٹرز کی, جو ہم کو ضروری سمجھنا ہے کہ ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا. میں آپ کو بتاؤں, ہم جہاں تک برے صغیر ہندو پاک کا تعلق ہے, یہاں پہ جو ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے, جی ڈرگ ٹریفکنگ میکسیکو میں بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہوتی ہے, یورپ میں بھی ہوتی ہے, افریقہ میں بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہے. یہاں پہ جو ہے, یہاں پہ زیادہ تر گولڈن ٹرائنگل ہو گیا, پاکستان, افغانستان, ایران اور وہ ایریا. اور سیون سسٹر کی بات ہے جو ہے ساؤتھ میں, ہمارا ناگالینڈ ہے, آسام ہے, منی پورا ہے, تریپورہ ہے, دوسرے تیسرے جو اسٹیٹس ہیں, تو وہاں پہ بھی, وہاں سے بھی ڈرگ ٹریفکنگ ہوتی ہے. ڈرگ ٹریفکنگ میں اب ڈرگ, اس کا نام جو ہے مسنامل ہے. یہ تمام ہی ڈرگ ریلیٹڈ ہے, کیونکہ جو ایڈکشن ہے, ایڈکشن کے لیے جو آج کل جو ڈرگ ہے, ڈرگ میں ایک سب سے جو لیتھل ہے, لیتھل وہ ہے ڈائی ایتھائل, مطلب اسے ارگٹ الکلائڈ کا ہے, ڈائی ایتھائل امین لیسرجک ایسڈ ہے. جی وہ جو ہے وہ سب سے پوٹنٹ ہے, اس کی بہت کم مقدار میں جو ریئیکشن ہوتا ہے اور ایڈکشن ہو جاتی. ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تو باڈی مانگتی رہتی ہے اس دوائی کو, پھر بچہ جو ہے, جو بھی جوان ہے, وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اور یہ یہاں تک ہے کہ وہ گھر میں بھی چوری کرتا ہے, وہ قتل بھی کر سکتا ہے, سوسائڈ بھی کر سکتا, جہاں سے بھی اس کو پیسہ ملے ٹو فیچ دی ڈرگ. تو اسی لیے اس کا کاروبار جو ہے ورلڈ میں نمبر ون پہ ہے اس وقت. تو اس کے تین وجوہات, پہلے افیم ہوا کرتی تھی, جی پاپاور سومنی فیرم سے نکلتی ہے, تحتسن کھشکاش جس کو بولتے ہیں, کھشکاش پاپی سیڈ سے نکلتا تھا, جو اس کا وہ بلب ہوتا تھا, اس کو انسیجن دے کر نکالتے تھے یہ حفیم کروڈ شکل میں لیتے تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پہلے چرس تکیے ہوتے تھے, یہاں پہ وہاں پہ لوگ سگریٹ پیتے تھے, نشہ کرتے تھے, بھنگ پیتے تھے. تو
अब वो नहीं है, अब तो गली कोचों में आपको पढ़ेंगे मिलेंगे। और हमारा यूथ जो है डेलिब्रेटली यहाँ पे कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हुआ कि यूथ को ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया। इसके लिए हमें हतुलविसा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यूथ को एजुकेट करें कि ये जो है ये दवाई आदमी को डेथ बेड तक ले सकती, बाकी कुछ नहीं दे सकती, कोई नकारा बना के रख देती जी बिल्कुल, कोई काम नहीं कर सकता, इसका जो है स्ट्रक्चर खराब हो जाता है इंटरनल, सिर्फ उसको दवाई के बगैर कुछ याद ही नहीं रहता, ना माँ बाप ना कोई रिश्ता, कत्ल तक भी कर सकता है, खत्म हो जाता है। माजिद साहब, जैसे सर ने कहा कि एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव सर ने यहाँ पर बात की है कि एक बड़ा बिजनेस है, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में एक 1/4 हिस्सा इस ड्रग्स में भी इन्वॉल्व रहता है, तो असल में वजूहत क्या रहते हैं कि ये असल में एक गहरी साजिश के बास पे जो इकोनॉमिक जो कार्टल सिस्टम क्रिएट किया जाता है, एक ट्रैक बनाया जाता है इस यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए, उस पे आपकी बात चाहिए। देखो, जब आप इकोनॉमिक साइकिल की बात करते हो तो इफ़ यू टॉक ऑफ ड्रग्स, ट्रेडिंग इन ड्रग्स, ये ऑल हैपन्स इन ग्रे मार्केटिंग जी। और ये इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देर इज़ अ प्रोविजन फॉर गुड रेवेन्यूज, आपको पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। एंड अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ पे जिस जिस इकोनॉमी में ड्रग्स ज़्यादा चलता है, यू सी द कॉन्फ्लिक्ट एरियाज जिनकी आपने भी बात की, गोल्डन ट्रायंगल की बात की और द सेवन स्टेट्स यू टॉक्ड अबाउट, दिस प्लेस आर ऑलमोस्ट डिस्टेबलाइज्ड। और वहाँ पे क्या होता है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके पास जैसे आप देखोगे इफ़ यू टॉक ऑफ दिस प्लेस, यू नो वी आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास बहुत सारे इश्यूज हैं, यू नो बी दैट द पॉलिटिकल इश्यूज, द फैमिली इश्यूज और द पर्सनल इश्यूज। अगर आप देखोगे हमारा जो जैसे अभी बात कर रहे थे कि सोशल फैब्रिक भी हमारा खत्म हो रहा है, पहले जमाने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती थी तो वी यूज टू गो एंड विजिट अवर फ्रेंड, यू नो दोस्त को बताते थे कि ऐसा इशू है। नाउ आप आज 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 के जमाने में आपके पास पॉलिशेस, थिनर्स, सीडेटिव्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, पेन किलर्स, एंड दे आर रेडिली अवेलेबल। अब आप व्हेन यू टॉक ऑन जैसा आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को ले रहे हो, इकोनॉमिक्स में यू ब्रिंग टेक्नोलॉजी इनटू इट। नाउ अगर आप टेक्नोलॉजी देखो, आज उसका भी बहुत ओनरशिप है, पेनिट्रेशन हुआ है। आज जैसे पहले जमाने में इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू लोकेट कि मेरे को ड्रग कहाँ से मिलेंगे, बट बाय फॉर नाउ आपको आराम से यू कैन लोकेट विद द पीपल, यू कैन लूप अप विद द पीपल जहां से आपको ये अवेलेबल मिल सकता है। और इकोनॉमी में इसका फ्लो रखना बहुत जरूरी, मतलब जिनके मफाद है इसमें, जिनके इंटरेस्ट है इसमें, दे आर टारगेटिंग। क्योंकि देखो एक बच्चा क्या होता है कि बच्चा देखता है और सीखता है। जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है जिसमें हम देखते हैं कि यार उस बंदे के पास पैसा है, वो सिगरेट पी रहा है, तो इस चीज को भी हम देखते हैं। कभी हमारे पास एक ट्रेंडी बनने के लिए हमारे पास हमारे अंदर ये आदत चली जाती है और ये आदत बनते 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 फिर हमारे लिए एक एडिक्शन बन जाता है। तो मेरे ख्याल से द रीजन बीइंग कि इसका सर्कुलेशन इकोनॉमी में इस वजह से, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आराम से मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। सर अगर हम ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, ड्रग अब्यूज की बात करेंगे, अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, कुछ दिहाई से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहले तो यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ के बारे में, बट कुछ साल पहले अब यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस ऐसे पाए जाते हैं कि जहाँ पर हमारे नौजवान इस लत में मुलव्वस हुए हैं। बीइंग आप ड्रग एंड फूड्स के एक चेयरमैन भी रह चुके हैं, एज ए कंट्रोलर रह चुके हैं, इस जमन में से आपसे जानना चाहूँगा कि वादी कश्मीर में अभी प्रेजेंटली इसका झुकाव कितना रह गया है और कितने सारे हमारे नौजवान इस लत में मुलव्वस हो चुके हैं। वादी कश्मीर में तो इस वक्त ये ड्राइव चल रहा है जी, एडिक्शन भी जोरों और शोरों पे चल रही है, नए नए बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जी बिल्कुल। इस इन्वॉल्वमेंट के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन देखना ये है कि माँ बाप जो है हमारा जो स्टार्ट जो होता है एक स्टेट है, स्टेट के बाद जो है एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी के बाद एक महला होता, महले के बाद घर होता है जी बिल्कुल। तो हर चीज की जो अगर आपने एक सोसाइटी को आगे ले जाना है, तरक्की की राह पे ले जाना है, तो आपको घर से स्टार्ट करनी है ये चीज। ये हुकूमत नहीं कर सकती, ये कोई सोसाइटी नहीं कर सकती, क्योंकि एक जो है अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन बॉडी दी है यहाँ से ही कायनात शुरू हो जाती। तो इंसान बजाते खुद एक कायनात है और फिर घर से उसका शुरू हो जाता है मुआशरा, घर से, घर की जो एनवायरनमेंट हो वहाँ पे अगर माँ बाप संजीदा हो, अपने बच्चों पे गन लगाएं,
कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, लेकिन यहाँ पे कदगन कैसे लगाएंगे? बाप ही जब बेटे को कहेगा जाके आप सिगरेट मेरे ले लाओ, जैसे अभी बात हम कर रहे थे पहले, तो वो 5-6 दफा तो लाएगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी जो रहती है इंसान को नया नया करने की, सीखने की, जी, ये जो ड्रग एडिक्शन हो जाती है किस तरह, क्योंकि जब जब कोई दवाई लेता है आदमी तो उससे जब उसको बहुत ही वो कहीं दूसरी हेलोसिनेशन में जाता है, यानी उसके ख्यालात सोचो आसमानों में वो उड़ता दिखाई देता है, वो किसी दूसरी दुनिया का बाशिंदा लगता है। तो आजकल के जो सोशल हालात हैं, एक तो तंग है, आपको पता है रोज एक बच्चा जो है, एक जवान जो है, वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो इस किस्म के हर्बे इस्तेमाल करता ताकि उसको सोलेस मिल जाए, लेकिन वो सोलेस नहीं मिलती उसको, वो एक दलदल में दब जाता है, तो वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब सोसाइटी का काम है, माँ बाप का काम है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन ये माँ बाप तक है, ज्यादा तक। फिर अपने महले में देखो, कोई बच्चा अगर इस किस्म की हरकत करता है उसको सोशल फाइबर में लाके कहीं एडिक्शन एडिक्शन सेंटर से वहाँ पे ले। मैं आपके पास आता हूँ आदिल मंजूर, आपसे पहले जानना चाहता हूँ, सर ने अगर बात की तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की भी बात होती जी, बिल्कुल। जो यूथ है आजकल जब वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, पहली वजह मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूथ ज्यादातर इन चीजों में क्यों मुलवस हो रही है और इस से उनको क्या हासिल होता है, और बाद में हम प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात इसकी जी। आप देखिए, जब हमने एडोलेसेंस की ज्यादा बात की कि हम देखते हैं कि फैक्ट्स हमें दिखाते हैं कि ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उन्हीं की है। और ये हम इसलिए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट दिस इज द पीरियड ऑफ अ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्राइफ बिकॉज दे फील मैल एडजस्टमेंट, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, इन द स्कूल्स एंड एट होम्स एज वेल, इसलिए उनको लगता है, हालांकि इट्स क्वाइट नॉर्मल इन दोज डेज कि इंसान फील करता है कि अप्स एंड डाउन ज्यादा ही लगते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल। उनको चाहिए कि वी शुड प्रोवाइड देम गाइडेंस एंड काउंसलिंग एट द राइट मोमेंट, और ये भी साथ में हमको चाहिए कि उनको मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हम घर में पैदा करें, क्योंकि जब वो एक बार इसकी लत में लग जाते हैं, जैसे हमने अभी सुना, तो इट डजंट ओनली यू नो इफेक्ट देयर बॉडी फिजिक बट ऑल्सो देयर मेंटल मेकअप, उनका ब्रेन भी इस तरीके से इफेक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है कि उनका नेचर ही बदल जाता है। नॉट ओनली दैट, स्पिरिचुअली अगर देखें ना, मॉरल वैल्यूज रहते हैं ना उनका फेथ, बल्कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिटी का वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता है, सोसाइटी खोखली बन जाती है। जी बिल्कुल, ओवरऑल जी क्राइसिस आ जाता है। बेसिकली बात ये है कि जैसा सर बोल रहे थे, हमारे एक्सपर्ट साहब बोल रहे थे, और आपका भी जो सवाल करने का ताल्लुक था, इन्होंने इसकी तरफ इशारा दिया, वो इशारा ये कि एक जमाने में हमारे पास एक सोशल कोहिजन होता था। जी बिल्कुल, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती थी। अगर एक बच्चा घर से जाता था, एक नौजवान घर से जाता था, इसको रास्ते में हजार बुजुर्ग पूछते थे आपको कहाँ जाना है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एक सोशल कंट्रोल, एक सोशल चेक रहता था। जी बिल्कुल। आजकल इंडिविजुअलिटी इतनी बढ़ गई है, लोनलीनेस इतनी बढ़ गई है, अगर एक बेटा एक कमरे में टीवी देख रहा है 3 घंटे, बाप को, वो बाप के पास नहीं बैठा, उसका अलग टीवी है, उसका अलग एक रूम है, एक बाप कभी उसको अकाउंटेबल नहीं बनाता था, बनाता है कि आप जो है व्हाट यू आर डूइंग फॉर 3 आवर्स कंटिन्यूअसली इन अ रूम। हर एक के पास घर में अलग अलग कमरा, अभी हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि एक साथ बैठने की, मोहल्ले में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस था उसकी तो बात ही नहीं है। बिल्कुल, अगर इसे एक सोशल कंट्रोल भी रहता है, अगर यही लड़का शाम को अपने बाप से कहेगा कि फलानी जो है, फलानी शख्स जो मुझे पूछ रहा था आपको कहां जाना है, आपको क्या करना है, आई वॉज इरिटेटेड, इसी का बाप इसको बुरा भला उस आदमी के लिए कहेगा कि वो मेरे बेटे को क्यों तंग करता है। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं जानता है कि सोशल कंट्रोल के 2 एजेंसीज है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अभी तो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, समाज को अपना काम करने दीजिए ना, अभी तो इनफॉर्मल एजेंसी काम कर रही है, इसके बेटे को अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अकाउंटेबल बना रही है। जी बिल्कुल, और इन्होंने बखूबी फरमाया, स्टेट से इन्होंने शुरू किया, बल्कि मैं करूंगा शुरू फैमिली से ही। जितनी हमारी फैमिली कंक्रीट है, फैमिली कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवोटल रोल टू स्टॉप दिस सबस्टेंस अब्यूज। इंपॉर्टेंट चीज, एक फैमिली में, एक अगर हमारे कम्युनिटी में अब एटलीस्ट कोहिजन नहीं है, हमारे समाज में कभी कोहिजन नहीं है, तो एटलीस्ट एक घर में एक कोहिजन पैदा कर सकते हैं हम। चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। हम अपने लड़कों को, हम अपने लड़कियों को, जो नौजवान लड़कियां हैं, इनको एक बाप जो है अकाउंटेबल बना सकता है
क्या आप एक जगह बैठकर या एक जगह एक कमरे में बंद कर कर खुद को बंद करके लॉक करके या किसी अलग जगह बैठते क्यों हो, आप क्यों नहीं बाकी मेंबर्स के साथ बैठते हो? ये कॉमन बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे बाकी अकाउंटेबिलिटीज भी स्टार्ट हो जाएगी जिसे काफी हद तक हम कंट्रोल पा सकते हैं। जी बिल्कुल सर, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जब हम अब स्टेट की बात करते हैं एज ए गवर्नमेंट की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं एज ए लॉ, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि इस चीज को कर्व करने के लिए। ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स है इन द फॉर्म ऑफ द लॉ जिससे हम ड्रग एडिक्शन को रोक सकते हैं? देखें, इसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होती है, पुलिस जो भी पकड़ती है, दवाइयां पकड़ी जाती हैं जो नशावर हैं। जी, नशावर दवाइयां पेशेंट के लिए, मरीज के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो उसका मिसयूज हो रहा है। अब एक बात है कि ड्यूटी कॉन्शियस कोई भी नहीं है यहाँ पे, घर में बाप जो है वो उसकी क्या ड्यूटी है, वो ड्यूटी कॉन्शियस नहीं, माँ ड्यूटी कॉन्शियस नहीं है। ड्यूटी है ना हमारा को एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम कोई निभा नहीं रही, क्योंकि सुबह जब बच्चे निकलते हैं माँ को नहीं पता है ये किधर जा रहे हैं, बाप को नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता है मेरा बाप कहाँ जा रहा है माँ कहाँ जा रही है, वैसा हो गया। हमने जो ये है लूजनेस ऑफ सोसाइटी हो गई है, इक्वल राइट्स बता दिए हैं, लेकिन ये राइट्स नहीं बताया है कि उसमें जो है हद, जो है हद मुकर्रर, उस हद को हम फांद गए हैं। अब कोई किसी को मानता ही नहीं, बेटी बाप का नहीं मानते मानती है और बेटा बाप का नहीं मानता, माँ का नहीं मानता। इसलिए जो सोसाइटी है आज, कोई बाप ये नहीं पूछता बच्चे को कि आप शाम, पहले होता था कि 6 बजे या 7 बजे तक बाहर रह सकते हैं, उसके बाद नहीं रह सकता था। आज हम अपनी ड्यूटी जो है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभाने रहे। अगर 6 बजे के बाद बच्चा आ जाता है, 12 बजे भी आ जाता है, 1 बजे भी आता है, उसको कभी कोई नहीं पूछता, बल्कि खाना शाना लगा दिया, अगर उसने खाया हो भारी तो वो भी नहीं, तो सो जाता है। तो ये चीज़ें चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जब तक हम चेक एंड बैलेंसेस नहीं करें, क्योंकि एडिक्शन इस तरह हो जाती है कि ये दवाइयाँ जो है किसी को लत नहीं इस तरह लगती कि वो जाके करता, उसको इंड्यूस किया जाता है। ड्रग एडिक्शन इज इंड्यूस्ड, ये कोई भी नहीं जाके खाए, लेकिन जब एक दफ़ा वो इंड्यूस हो गया उसके बाद वो उससे बच नहीं पाता, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। पुलिस भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, कहीं कहीं जगह पे डिस्ट्रिक्टों में है रिहेबिलिटेशन और कैंप्स वगैरह होते हैं। तो ये लात लगने के बाद इंसान को बहुत मुश्किलात हैं, फिर वो बच नहीं पाता, उसको बहुत लंबा अरसा उस ट्रीटमेंट में रहना पड़ता है ताकि उस इंडक्शन से उसको निकाला जाए। तो ये लेंथी प्रोसेस है, हमको जो है ये इवल है इसको हमको बेसिकली बुनियाद से खत्म करना पड़ेगा, तो वो हम घर से कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर माजिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। देखिए, जब हम यूथ की बारे में बात करते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो इदारे हैं उनका एक इम्पॉर्टेंस रोल रहता है यूथ के कैरेक्टर को डेवलप करने में। बट जब हम स्टैटिस्टिकली, जब हम बहुत सारे केसेस ये भी पाए गए हैं कि ज़्यादातर यूथ जो इस ड्रग्स में एडिक्ट हो जाते हैं, उनकी जो ड्रग जो सप्लाई हो जाती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं इदारों के आसपास ही अनासिर ऐसे पाए जाते हैं जिनको ये टारगेट करते हैं। तो इस ज़मन में इन एजुकेशनल इदारों का क्या रोल रहता है टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ द यूथ? देखो, एजुकेशन ऑब्वियसली यू नो ये यही एक ऐसा टेंपल है जहाँ से आप एक इंसान को बनाते हो। बिल्कुल सर। मेरे ख्याल से स्टेट का वहाँ पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आई फ्यू इयर्स बैक यू नो व्हेन आई वाज अ यूनिवर्सिटी, आई एम एन एलुमनी नाउ, तो वे बैक इन माय होम, मतलब कॉलेज के बिल्कुल पास में ही देयर वाज अ लीको शॉप, मतलब जहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ ही बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट टू द गेट ऑफ द कॉलेज वहाँ पे लीको शॉप खोला गया था। सो आई थिंक स्टेट हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और एक 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 मतलब जैसे हमारे, जैसे सर ने बताया, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड ड्रग डे एडिक्शन सेंटर्स बहुत जगह पे कायम किए गए हैं, बट वर्चुअली दे एग्जिस्ट इन वर्चुअल वर्ल्ड, यू नो ऑन ग्राउंड्स वो उनका एग्जीक्यूशन उतना नहीं है। और मेरे ख्याल से वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल, कोई बेचारा जो इस दलदल में फंस चुका है उसको निकालना जरूरी है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरेडिकेटिंग दिस ड्रग मेनेंस। किस तरीके से हम सेमिनार्स कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं या काउंसलिंग कर सकते हैं। एंड इन, और जैसा मैंने बोला कि मतलब बहुत जैसे कौन इंसान यहां से बोलेगा कि मैं ड्रग एडिक्ट हूं, यू नो यू देर आर नो सच पीपल कि जो बोलेगा कि हाँ मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, मैं इस चीज में फंसा हुआ हूँ। सो आई थिंक अगर जैसे वो सोशल फैब्रिक भी रिवाइव होता है
और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में एक कल्चर ऐसा पैदा होता है कि जहां एक एक क्योंकि द यूथ्स ऑफ आवर्स इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो, यू नो, अगर हम इनको अच्छी तरह से बिल्ड अप करेंगे, अभी ये बर्ड है, जिस तरीके से हम शायद अभी इनकी परवरिश करेंगे, जिस तरीके से हम इस प्रिकैरियस ट्वीक को आगे ले जाएंगे, मेरे ख्याल से द फ्यूचर कैन बी ब्राइट। ये साथ आपको हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ ये बोलना कि सबसे ज्यादा इन्हीं इदारों का मतलब ये इन्हीं पर ये जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए, क्योंकि हम देखते हैं कि इट्स यू नो वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, इट नीड्स इंसान बंदे को इट नीड्स मोर देन स्ट्रॉन्ग विल एंड टू क्विट दिस, उससे ज्यादा ही मतलब इंसान को, क्योंकि एक बार फंस गया तो मतलब बहुत मुश्किल है उसका वापस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू अवेयर द पीपल अबाउट द यू नो developing the moral and ethical values of individuals. I think that is very important. हमारे educational institutions में ज़्यादा priority है कि बंदे को job मिले, degree मिले, rather than इसके values बने, इसके ethics बने, इसका character बने, मेरे ख्याल से उन चीज़ों पे अगर focus रहेगा vis-a-vis your academics and your career, मेरे ख्याल से समझ में। मैं शहजाद सलीम आपसे एक बुनियादी बात चाहूँ, कहनी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे इस society में भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस लत में मुलव्वस है, कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि हम उनको धिक्कारते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बट व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ताकि हम उनको इस दलदल से बाहर निकालें। देखिए एक बात है, फ्यू मिनट्स वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ये बात है कि एक बार दलदल में आ गया नौजवान, इसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम आउट, हिम और हर फॉर कम आउट, लेकिन समाज में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब की ये जिम्मेदारी है जी बिल्कुल, कि हम अपने वाजू तबलीग में कुछ ऐसे गलत चीजों की बात न करें, बल्कि अपनी सोसाइटी पे वापस आए, नौजवानों की काउंसलिंग का भी एक हिस्सा रखें। नंबर वन, ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े से बड़े आमाल की बात करें, वो तो सही है वो करें, लेकिन इस छोटी सी छोटी चीज जो बाद में नौजवान की बड़ी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है उस पे हम आए। उलिमास हैव अ रोल, टीचर्स हैव अ रोल, हम अवेयरनेस कैंप्स चलाए, हम काउंसलिंग सेंटर्स खोले, हमारे पास ड्रग डी एडिक्शन सेंटर शायद फ्यू टू और थ्री सेंटर्स है, हम अपने गैर जो नॉन एनजीओ है, गैर सरकारी जो इदारे हैं उनको इक्विप करें कि वो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स चलाए और इसके अवेयरनेस कायम करें। जी बिल्कुल सर, वक्त की कमी के बाद आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हमको यहीं पर करना चाहेगा। सर हम आपका बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार है कि आप प्रोग्राम में आए और आप हमारे साथ अपने ख्याल शेयर किए। आप सब दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में आए, अपने ख्याल हमसे शेयर किए। नाज़रीन, यूथ हमारा मुस्तकबिल है, हमारे कौम का मुस्तकबिल है, इसलिए हमारा फराइज है, हम सब की फराइज है कि हम इस यूथ को संभालें। अगर कहीं हमको लगता है कि यूथ इस लत में शामिल है, उसको दत्कारें ना, बल्कि उसको आगे आने के लिए, उसको प्रोसेस में संभालने के लिए, उसको वापस अपनी सोसाइटी में आने के लिए अपना एक रोल प्ले करें। दीजिए आज इसी बात पर अपने दोस्त इम्तियाज गुल को इजाजत, अगली नशिस्त के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।